धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं पिछले सप्ताह आप लोगों के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाया। मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त था। अभी मैं आज 9 बजे आप लोगों के सानिध्य प्राप्त करने के लिए आऊंगा। इसकी सूचना मैंने पहले से ही आप लोगों को दी थी। यहाँ योगेश जी और संतोष जी और राकेश कुमार जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मैं इन लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इन्हें नमस्ते भी कहता हूँ। शैलेश झा जी भी प्रणाम लिखे हैं और ये राकेश कुमार जी दोबारा कह तो कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग जुड़ते रहिए, मैं आप लोगों का नाम पढ़ते रहूंगा तो मेरा समय इधर चला जाएगा। मुझे कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखनी है और मैंने आप लोगों को ये सूचना दी थी कि हमारे भारत में बहुत लोग ऐसे हैं और उनकी तादाद कम नहीं है, बड़ी अच्छी तादाद में भारतीय लोग हैं जो भारतवर्ष से प्रेम नहीं करते, भारतीयता से उनका कोई लगाव नहीं है, वो केवल यहाँ पर सांस ले रहे हैं और उनकी नजर कहीं ईरान और पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है और कहीं रशिया और चाइना की तरफ लगी हुई है। दुर्भाग्य ये है कि जिस देश में रहते हैं कम से कम उस देश का वफादार होना ये मानवता है, मानवता के दायरे में आता है। अब इन्होंने मानवता को तिलांजलि क्यों दिया और कैसे दिया, ये एक शोध का विषय है। फिर भी मैं चाहूंगा कि जो लोग रह रहे हैं इसी देश में और इस देश में दो महापुरुषों का नाम बड़े ही मर्यादा के साथ, आदर के साथ, सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है और उन दो महापुरुषों में सबसे पहला नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा नाम आता है योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज। योगेश्वर कृष्ण को लोगों ने पढ़ करके नहीं देखा, लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया और मैं आज आप लोगों को दो टुक में ये बताता हूं कि योगेश्वर कृष्ण को जानने के लिए आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना पड़ेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है, उन्होंने कृष्ण चरित्र को उजागर किया है और उनसे कुछ बातों को लेकर के आर्य जगत के महान विद्वान पंडित चमुपति एमए जिनका नाम था, जिन्होंने 14वीं की चाल और बहुत सारे यानी हक प्रकाश के जवाब में उन्होंने 14वीं की चाल लिखा है। तो 14वीं का चांद हक प्रकाश के जवाब में आया है, जो सत्या प्रकाश के जवाब में मौलाना सनाउल्लाह ने हक प्रकाश लिखी थी उसका जवाब पंडित चमुपति ने दिया है। तो पंडित चमुपति एमए उन्होंने कृष्ण चरित्र लिखा है और उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का हवाला दिया है अपने लेख में। पर दुर्भाग्य यह है कि हमारे हिंदू घराने के लोग योगेश्वर कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं किया और योगेश्वर कृष्ण को
किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने मनिहारी बता दिया, किसी ने महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाते संकोच भी नहीं किया। क्या अपने महापुरुषों को ही खुद ये चरित्रहीन बता रहे हैं? इससे और लोगों को मौका मिला। तभी डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो है, उसमें देखेंगे आप, योगेश्वर कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है कि 16,108 बीबियां थी, जो बिल्कुल पूरा झूठ है। खैर, आज का विषय मेरा वो नहीं है, वो कभी मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। तो ऐसी योगेश्वर कृष्ण के जिन्होंने पूरी जवानी लगा दी परित्राण असाधुनाम और विनाशर्च दुष्कृताम में, साधु महात्माओं का जय और दुष्कृतकारियों का नाश। लेकिन उस गीता के अंदर में काफी मिलावट किया है लोगों ने, यदा यदा ही धर्म से ग्रह निर्भक्ति भारती, ये असत्य है, ये मिलावट है, योगेश्वर कृष्ण ने ये कहा ही नहीं है। क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ने कहीं पर भी अपने को ईश्वर प्रदर्शित नहीं किया। वो जानते हैं कि जन्म लेने वाला ईश्वर नहीं होता है, और योगेश्वर कृष्ण जन्म ले रहे हैं माता पिता के 8वां नंबर के संतान में, और फिर भी लोगों ने ईश्वर मान रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, तथाकथित हिंदू जिनका नाम पड़ा। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जब जब धर्म के अंदर में ग्लानि होती है तो मेरा आविर्भाव होता है, या आविर्भाव हुआ है, या आविर्भाव होगा, मैं आऊंगा, ये शब्द गलत है। हाँ, आता है, जीवात्मा का तो आगमन होता ही है, जीवात्मा ही आता है, जीवात्मा को ही जन्म लेना पड़ता है, पर ईश्वर को नहीं, परमात्मा को नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे योगेश्वर कृष्ण ने पूरी जवानी लगा दी उन असत को मिटाने के लिए, असुर तर्कों को समाप्त करने के लिए, असुरों को ध्वंस करने के लिए, यहां तक के अपने सगे मामा को भी उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने सगे मामा को मौत के घाट उतारा। कारण क्या था? कारण था कि वो धर्म से विरुद्ध आचरण करते थे, या धर्म के विरुद्ध आचरण करते थे। तो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी पूरा समय लगाया, और योगेश्वर कृष्ण ने भी पूरा समय लगाया। पर दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसे योगेश्वर कृष्ण के उस क्रांतिकारी विचारों को, उन सत्य के प्रचार को भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, और भारतवासी यहां दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं इमाम हुसैन की क्रांति को। जो लोग इमाम हुसैन की क्रांति बता रहे हैं, उनमें से मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, लिख करके भी दिया था, कि जिनका नाम मौलाना अग्निवेश है। मौलाना अग्निवेश साहब को योगेश्वर कृष्ण से लगाव नहीं है, योगेश्वर कृष्ण की क्रांति उन्हें दिखाई नहीं देती, योगेश्वर कृष्ण ने अपना पराया नहीं देखा, परित्राणाया साधुना विनाशाचार दुष्कृताम का प्रचार किया। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ही कहा, युद्धम तु क्षत्रिय धर्म तत्सम कथम त्याजसि, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म, इसे त्यागते हो कहां चले जाते हो? अर्जुन का ये चाहना बलवान बिना विजय राज्य किम सुखम भविष्य इन बंधव को छोड़कर राज को छोड़कर मैं युद्ध करूंगा तो सुख प्राप्त कर सकता हूँ? कृष्ण ने कहा, तो हम नवगच्छसि इमे पापा इमे दंड, तुम नहीं जानते कि पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। देखिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ये वध करने योग्य है, क्योंकि ये धर्म पर आचरण नहीं करते। और ये दुर्योधन तो इस बात को कह भी रहा है कि धर्म क्या है वो मैं जानता हूँ, लेकिन उस पर आचरण करने की वृत्ति मुझ में नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ये पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। ये रहे हमारे महापुरुष। फिर अर्जुन ने बोला, इमे मृत्युं तु गमिष्यति महापापं भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे इससे बढ़कर कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने रोका, नहीं तत्पापं आत्मा मृत्युं न गच्छति केवलं शरीरं नश्यति
তাম ইদম নবগচ্ছসি আত্মা আজরহ আমার আয়াম কদর্পণে নশতি যুদ্ধম তু ছত্রিয়স পরমা কর্ম অত যুদ্ধম গুরু। ये रहे हमारे देश के गुरु, लेकिन ऐसे गुरु को भारत वासी कहने वाले, भारत वासी मानने वाले, भारत के रहने वालों को पसंद नहीं आया। और इमाम हुसैन की क्रांति मौलाना अग्निवेश जी बता रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भारत में हैं। मैं आज जानबूझ करके ही आप लोगों के दिल और दिमाग में इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और इसमें सबसे बड़ा काम अग्नि में घी डालने का काम किया है मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिनको लोगों ने राष्ट्रपिता कहा है। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोले, जबकि ईश्वर अल्लाह एक नाम नहीं है, ईश्वर अल्लाह दोनों नाम अलग है। मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको जाना ही नहीं। तो इसी को सामने रखते हुए जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, मैं आज उन लोगों से ये बताना चाहूंगा कि अरे हिंदू को छोड़ो, क्या शिया और सुन्नी ये दोनों मुसलमान नहीं है? क्या उन दोनों में मेल है? उन दोनों में मेल हुआ है? उन दोनों में मेल होना संभव है या संभव हुआ है? अरे दुनिया वालों, कम से कम विचार तो करो कि जिनकी इबादत गाह मस्जिद दोनों के अलग हैं, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ सकते, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस्लाम इस्लाम में मेल है या नहीं। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, अरे हिंदू तो सहिष्णु था है और रहेगा, हिंदू तो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानता है, ये हिंदू ही तो सांप को दूध पिलाता है, तुमने जाना कहा हिंदुओं को? लेकिन जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, ये सही अर्थ में, अभी एक फोन आया था मेरे पास ही, वो आर्य की बात कर रहे थे, खैर तो वो बहुत सही बात कहा उन्होंने। तो यहां पर हमारे लोगों ने बड़ा विश्वासघात किया है, हमारे लोगों ने बड़ा विश्वासघात किया है हिंदुओं के साथ। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए ये आज तक ये जानने का समझने का सोचने का भी प्रयास नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम एकता तो दूर की बात, तो मुस्लिम मुस्लिम ही एकता नहीं कर पाए, मुसलमान मुसलमान कोई एक नहीं बांट पाए। शिया और सुन्नी ये दोनों इस्लाम के दावेदार हैं, दोनों इस्लाम के हकदार हैं, दोनों की इबादत गाह अलग है, दोनों की मस्जिद अलग है, दोनों के कब्रिस्तान अलग है, और एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफना भी नहीं सकते, एक दूसरे के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अब इससे बड़ा विरोध क्या? तो जो इमाम हुसैन चिल्ला रहे हैं ना, जबकि शिया और सुन्नी का झगड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान और इराक कितने वर्ष तक लड़े, ये शिया और सुन्नी दोनों कितने वर्ष तक लड़े, सद्दाम कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और सद्दाम को मारा गया, जबकि घटना इस प्रकार की है कि माविया नाम का एक व्यक्ति था जो साहबी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, हजरत मोहम्मद साहब के साथी थे, उन्होंने बड़ी खिदमत की हुजूर की, लेकिन हुजूर ने यानी हजरत मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी किया माविया के लिए कि माविया तुम्हारा घर में कोई संतान आने वाला है जो हमारे वंश को मिटाएगा, हमारा वंश का खात्मा करेगा, जबकि हुजूर के वंश नहीं थे, एक भी संतान नहीं बचे, उन्होंने बेटी के लड़के को अपना वंश माना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी के लड़के को अपना वंश नहीं माना जाता, इस्लाम में मान्यता है। तो माविया ने कहा कि हुजूर मैंने तो शादी भी नहीं की, मैंने अब तक
शादी ही नहीं की तो हमारे वंश कहां से आएंगे जो आपके वंश को नष्ट करेंगे। हुजूर ने फरमाया ऐसा ही होगा, हुजूर ने फरमाया ऐसा ही होगा। तो माविया ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद माविया जा रहे थे कहीं और इसलिया की हालत हुई, यानी लघुशंका के लिए गए, वहां पानी नहीं था, उन्होंने ढेला मिट्टी का कुल्फ लिया। अब उससे इजाए तनासुल में यानी मूलेंद्री में कुछ जख्म बन गया, जख्म ठीक ही नहीं हो रहा है, काफी दिन तक हो रही है। बहुत जर्रा ने देखा, बहुत वैद्यों ने देखा, हकीमों ने देखा, मरहम पट्टी खूब की लेकिन सही नहीं हुआ। तो किसी वैद्य ने उनको, हकीम ने सलाह दी कि शादी करो सही हो जाए। तो उन्होंने शादी की और साल की एक वृद्धा महिला, लेकिन अल्लाह तो 80 साल की हो चाहे 100 साल की हो संतान जन्म दे देते हैं, यही तो अल्लाह की मनमानी है। और इस बात को भी मौलाना अग्निवेश जानने का प्रयास नहीं किया कि 80 साल की वृद्धा महिला का संतान उत्पत्ति करना संभव है या नहीं। और एक दो केस नहीं है, ऐसे अनेक केस है। हजरत इब्राहिम की पत्नी सारा के साथ भी यही हुआ, पांच महिलाओं को भी अल्लाह संतान दे देते हैं। ये सब विज्ञान विरुद्ध बात है, मानवता विरुद्ध बात है, सृष्टि नियम विरुद्ध बात है, लेकिन दुनिया वालों ने इसको सच्चाई जानने का समझने का प्रयास नहीं किया और फिर भी तरफदारी किए जा रहे। तो उस महिला से संतान की महिलाएं, ये एमबीबीएस मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक मान इसको सच, जाकिर नाइक को ये पता नहीं है कि जो महिला रजस्वला से समाप्त करके उठती है, यानी रजस्वला जिन महिलाओं को नहीं आती, यानी 50 साल के बाद रजस्वला होना बंद हो जाता है, जिसको मासिक धर्म कह रहे लोग, तो 50 साल के बाद जब वो रजस्वला बंद हो जाए तो संतान उत्पत्ति करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहां 80 साल की वृद्धा महिला संतान, और उससे यजीद पैदा हुआ, और उस यजीद ने ही हुसैन को मारा। हसन जो बड़ा था उसको तवीज लेकर के मारा गया और हुसैन को युद्ध में मारा गया, फरात नदी के बांध को लेकर के पानी बंद कर दिया, वहां पर पानी पीने के लिए। बड़ी लंबी कहानी है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं ये दोनों ही इस्लाम के मानने वाले थे, और माविया तो खास यानी यजीद के बाप खास हजरत मामा साहब के सामने थे, और उस यजीद ने हुसैन को मारा। इस्लाम के मानने वाले दोनों हैं, आप लोगों को विश्वास ना हो तो YouTube में लगा हुआ है वीडियो, देख लीजिएगा। पाकिस्तान वालों ने बड़ा काम किया इस पर, मेहरबान.com करके है, वहां पर आप आ जाइए, इनके इतिहास किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पिक्चर नहीं, फोटो नहीं, और उन पाकिस्तान वालों ने सारा फोटो उठा करके दिया उस वीडियो में। ये इस्लाम की दावेदारी इस्लाम के खिलाफ। तो जब मुसलमान मुसलमान ही आपस में बन करके नहीं चल पाए, शिया और सुन्नी की लड़ाई है, और हजरत अली को भी मारा, हजरत अली को रमजान के महीने में नमाज पढ़ते हुए मारा। ओ दुनिया वालों जरा सुनो तो सही, वहां पर कोई आरएसएस का कार्यकर्ता या डॉक्टर हेडगेवार जी के कोई शिष्य जाकर के नहीं मारा हजरत अली को, विश्व हिंदू परिषद का कोई आदमी जाकर के नहीं मारा, ना जितना हिंदू संगठन है भारतवर्ष के अंदर कोई किसी भी हिंदू संगठन के आदमी जाकर के अली को नहीं मारा, मुसलमानों ने ही मुसलमान मारा है। जबकि कुरान के मुताबिक अल्लाह के अनुसार एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मौलाना अग्निवेश को यह क्रांति, हुसैन की कौन सी क्रांति थी, हुसैन ने कौन सा क्रांति किया था जो उसे, इमाम हुसैन की क्रांति याद आ रही है।
उन्होंने कौन सी क्रांति की थी? वहां तो मामला कुछ और था, झगड़ा खलीफा को लेकर के था। अबू बकर खलीफा बने, अली खलीफा बने। अबू बकर को खलीफा इसलिए बनना था कि हजरत आयशा जो हजरत मामा साहब की तीसरी नंबर की पत्नी थी, वो सबसे कम आयु वाली थी, कम सिन थी, और वो विधवा हो गई 17 साल की आयु में। जब 17 साल की आयु में विधवा हो गई, और वो उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, मुसलमानों की माँ, कोई मुसलमान उससे शादी नहीं कर सकता, तो अब वो किसके सहारे जीती? इसलिए लोगों ने अबू बकर को समर्थन किया, अबू बकर को खलीफा बनाया। यहाँ तो पदों की लड़ाई थी भाई। अरे आर्य लोगो, ये तो जानो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस पद को त्याग दिया था, 14 वर्ष के लिए जंगल प्रस्थान कर गए थे, भरत मना नहीं पाए, भरत ने राजव्यवस्था को संभाला, कड़ों को सामने रखा, ये मर्यादा है। ये है आर्य, तो ये है आर्य लोगों का चरित्र, ये है आर्य लोगों का जीवन, और यहाँ पदों की लड़ाई लड़ उसे बाद में देखिएगा, औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बनाया, भाई को कतल किया, ये सारा इतिहास है, इतिहास। लेकिन ये अपने इतिहास को अग्निवेश ने पसंद नहीं किया। और हजरत मोहम्मद, ये मोहम्मद की नमासे, यानी यानी लड़की का लड़का, फातिमा जुहरा की लड़की, हसन और हुसैन, इन दोनों को मारा, हजरत अली को मारा, ये सारे मुसलमान मुसलमान को ही मारे हैं। तो जब मुसलमान मुसलमान ही आपस में ही मिलकर के रह नहीं सकते, तो ये हिंदुओं से मिलकर के रह लेंगे, ये वो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं? इसलिए आज मैं दो टूक में ये भी बताना पसंद करूंगा कि जो लोग यही मौलाना अग्निवेश को लिए फिर रहे हैं, आज मैं दो टूक में बताता हूं, जो लोग इसी मौलाना अग्निवेश को लिए फिर रहे हैं, उसमें ये अग्निवेश का बनाया हुआ है आर्यवेश, जिसको आज आर्यवेश कह रहे हैं, जगदीप जी का नाम था, एडवोकेट जगदीप, और आज सार्वजनिक सत्ता का प्रधान उसको बना दिया है। क्या ये अग्निवेश का विरोध कर सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि भाई इमाम हुसैन की कौन सी क्रांति आपने देखी? बताने का सामर्थ्य रखते हैं। और आज मैं दो टूक में ये भी बताना चाहता हूं कि ठाकुर विक्रम सिंह जी भी इनके समर्थक हैं। अभी इसी सितंबर महीने के प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में रखा है, इन सब लोगों को बुला रखा है, और मैं शुरू से धर्मवीर जी से कहता आया हूं कि ये अनिवेश के पक्षधर हैं, मैं इसका संयोजक बनना नहीं चाहता। उन्होंने प्रवक्ता बना रखा मुझे अपने राजनीतिक पार्टी का। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अग्निवेश कौन सा वैदिक सिद्धांत है, कौन सा वैदिक सिद्धांत को मान रहे हैं, कौन सा वैदिक परंपरा को मान रहे हैं, कौन सा ऋषि दयानंद के अनुयायी बने हुए हैं। वो जब ऋषि दयानंद के विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका समर्थन करना, उनको समर्थन देना, यह कौन सा आर्य सामाजिक का काम होगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि धोखा हो रहा है आर्यों के साथ, आर्यों के साथ धोखा हो रहा है, और आर्य समाजी ही आर्य को धोखा दे रहे हैं। ये डॉक्टर मुक चुक पीछे पड़े थे कुछ लिखने के माध्यम से, ये वो हो रहा था कारीगर दुनिया भर का 18 सितंबर। मैं मुक चुक से पूछना चाहता हूँ, मुक चुक जी आप ये बताओ कि आपका इमाम हुसैन को समर्थन करते हो? उनकी कौन सी क्रांति था आप ये बता सकते हो? क्या क्रांति उन्होंने की थी, कौन सी क्रांति की थी, कौन सा क्रांति किया था, क्या क्रांति था उनके अंदर? वो तो आपस में ही लड़ रहे थे, वो पदों की लड़ाई में जुड़े हुए थे, खलीफा कौन बनेगा इसकी लड़ाई ही लड़ रहे थे वो, खलीफा अबू बकर बने या खलीफा हजरत अली बने। तो अबू बकर के दर मारा भारी पड़ गए और अली का कत्ल हुआ। लेकिन आप ये बताओ कि इसमें कौन सी बातें ऐसी हैं जो वैदिक सिद्धांत से, वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है, वैदिक मान्यता से, जो वैदिक परंपरा का उजागर हो रहा है, समर्थन कर रहे हो आप लोग, अग्निवेश का समर्थन कर रहे हो, तो ये ऋषि दयानंद का गला घोटना नहीं हो रहा है क्या? ऋषि दयानंद की हत्या नहीं हो रही है क्या? क्या ऋषि दयानंद ने इसीलिए सत्या प्रकाश लिखा है? क्या ऋषि दयानंद ने इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की कि जिसमें वैदिक सिद्धांत के खिलाफ काम करने वाले, वैदिक सिद्धांत के खिलाफ बोलने वाले लोग
वहां पर आएंगे। और ठाकुर बिक्रम सिंह जी ने एक काम और किया है कि उन्होंने जो तालकटोरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम रख रखा है, उस हैंडबिल को मैंने देखा, किसी ने एक बार भेजा था, तो उसमें मैं देखा जो बलि प्रथा का समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी बुला रखा है। ठाकुर बिक्रम सिंह जी, मैं ये नहीं समझ पाया, आपको मैं प्रीति तुल्य मानता आया हूं, और इत्तेफाक से आप मेरे गुरु भाई हैं, आप अमर स्वामी जी के शिष्य हैं, इन अमर स्वामी जी का सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। आप एक बलिदान, यानी एक बलि चढ़ाने वाले को, बलि चढ़ाने के लिए दुनिया से समर्थन मांगने वाले को आपने अपना कार्यक्रम में बुला रखा है, तो क्या आप ऋषि दयानंद की मान्यता को फॉलो कर रहे हैं? ठाकुर अमर सिंह जी ने आपको यही सिखाया क्या? मैं ये नहीं समझ पाया आखिर कहां ले जाना चाहते हैं वैदिक सिद्धांत को। मुझे आर्य समाज से कोई मतलब नहीं है, मैं उजागर करता हूं वैदिक सिद्धांत का, ऋषि दयानंद की मान्यता का। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है क्या कि ऋषि दयानंद ने बलि प्रथा का समर्थन किया? ऋषि दयानंद ने बलि प्रथा के लिए, बलि चढ़ाने के लिए बोला क्या? तो ऐसे बलि चढ़ाने के लिए, बलि प्रथा का समर्थन करने के लिए एक वो भी सन्यासी और दुनिया भर का ताम झाम गले में लटकाए हुए हैं, जबकि शास्त्र का कहना है नलिंगम धर्म कारणम, धर्म के लिए बाहरी चीनी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ताम झाम बनाए लटकाए के लिए क्या ये दिखावा ऋषि दयानंद के पास है? क्या ऋषि दयानंद ने ऐसा दिखावा किया है? ऋषि दयानंद के कोई ऐसा चित्र इस तरीके से दिखा पाएंगे आप? और ऐसे लोगों को बुला करके अपने मंच पे कार्यक्रम कराना, ये मैं नहीं समझ पाया कि आखिर कौन सी नजर लगी इन आर्य समाजी कहने वाला कहलाने वाले को, किसकी नजर लगी? मैं बहुत दुखी मन से आज आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं कि वैदिक सिद्धांत को नष्ट करने के लिए, वैदिक परंपरा को समाप्त करने के लिए ये सारा काम षड्यंत्र ये हो रहा है, और अग्निवेश उस अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है, और अग्निवेश के समर्थक जितने भी हैं ये सब के सब वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, वैदिक मान्यता के विरोधी हैं, ऋषि दयानंद के विरोधी हैं, ऋषि दयानंद के कातिल हैं, और वैदिक परंपरा को नष्ट करने के लिए, क्योंकि चोर ही चोर नहीं है, चोर का समर्थन देने वाला भी चोर है, चोर के माल को गचने वाला भी चोर है। ऋषि दयानंद ने 8 को कसाई दिखाया, 8 गिन लीजिए ये उंगली, इन उंगलियों को गिनने से पता लगेगा 8 है, ये 4 और ये 4, ये 8 ऋषि दयानंद ने 8 को कसाई माना है, और उन कसाइयों में से आर्य वेश भी एक कसाई है, और उनके जितने भी समर्थक हैं अग्निवेश का, वो सब के सब कसाई है। मैं नहीं कह रहा कि ऋषि दयानंद की मान्यता है, इसलिए मैं दो टूक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना युक्त युक्त समझा, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इस वैदिक परंपरा को, वैदिक मान्यता, वैदिक मंतव्य को उजागर करते हुए मैं आज 36 वर्षों से ये काम कर रहा हूं। मेरा मतलब केवल सत और असत से है, मेरा काम केवल सत्य को उजागर करना है, और असत्य क्या है उसको सामने उठाकर रखना है। किसी से कोई राग द्वेष मेरा नहीं है, मैं दुर्भावनावश ये बात नहीं कह रहा हूं, किसी ने मेरा भैंस नहीं खोला है, मैं केवल यथार्थ बातों को आप लोगों तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझा, और उसको अंजाम दे रहा हूं, उसको अंजाम देने में मैं लगा हूं। यानी दोनों शिया सुन्नी बोला ना कि वो आपस में ही मिल करके जो रह नहीं पा रहे हैं, जो इस्लाम इस्लाम को ही बर्दाश्त नहीं कर रहा है, वो हिंदुओं के लिए उसको भाई बता रहे, और हिंदू वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता पर उस इस्लामिक मान्यता को थोपना चाहते हैं। मौलाना अग्निवेश बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम से अपना वक्तव्य शुरू करते हैं, यासीन मलिक के साथ उसका फोटो देखिए, मैं वीडियो में बहुत सारा 6 वीडियो मेरा लगा हुआ है उसके ऊपर, और ऐसे अग्निवेश के समर्थक को अपने मंच पे बुलाना, ये कौन सा ऋषि दयानंद की मान्यता है, कौन सी मान्यता है ऋषि दयानंद ने इस बात को कहा है, कहां पर कहा है? इसलिए सारा काम ये उल्टा हो रहा है, ऋषि दयानंद के मंतव्यों के, ऋषि दयानंद के विचारों के विरुद्ध हो रहा है। ऋषि दयानंद के अनुयायी कहलाने वालों आज भी सुधर जाओ, क्या ऐसे अग्निवेश
सभी के लोगों को या उनके समर्थकों को आपने प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में बिठा रखा है, और जो अपना बपोती समझ करके उस प्रादेशिक के बिल्डिंग को मिठाई की दुकान खोल दिया किराए पर चला करके, कितना लाख रुपया दिया ये सुन जाने। ये है आर्य समाज, ये है आर्य समाज का चरित्र। इसीलिए मैंने कई बार बोला कि आर्य समाज अच्छा है, समाज ही अच्छे नहीं है। इसीलिए आर्य लोगों को विशेष करके मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ या सूचना देना चाह रहा हूँ कि चिन्हित करें, पहचाने आप कौन ऋषि दयानंद के मंतव्यों का समर्थक है और कौन ऋषि दयानंद के मंतव्यों का विरोधी है। तो ऋषि दयानंद के मंतव्यों का विरोधी कभी भी आर्य कहलाने वाले नहीं हो सकते। ऋषि दयानंद ने ऐसे लोगों को समर्थन नहीं दिया है, ऋषि दयानंद ने ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया है, तो आप लोग कैसे करें। इसलिए मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी के लिए भी बताया कि उन्होंने उन लोगों को बुलाया, वहां आर्य वेश का भी नाम देखा है, और ये बलि चढ़ाने वाला पता नहीं कौन सा सन्यासी है, क्या नाम है इनका, जो डासना में रहते हैं मंदिर में, एक मंदिर का पुरोहित है, मंदिर का पुजारी है या क्या है वही जाने, वो ताम झाम दुनिया भर का लगाए हुए हैं, ताम झाम लेकर के वो आर्य लोगों के बुलाए हुए मंदिर, अरे आर्य लोगों ने बुलाया इसको, कौन आर्य है। ठाकुर विक्रम सिंह जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अमर स्वामी जी के शिष्य हैं क्या, अमर स्वामी जी ने यही पाठ पढ़ाया आपको। अमर स्वामी जी का शिष्य मैं भी हूं, और मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि अमर स्वामी जी ने, हमारे गुरु जी ने ये पाठ हमें नहीं पढ़ाया, उन्होंने दोनों को अलग करके दिखाया है, वैदिक मान्यता क्या है, अवैदिक मान्यता क्या है। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर पूरा जवानी उन्होंने शास्त्रार्थ में लगा दी, निर्णय के तट पर। भाई राजपत राय ने छापा छापा तो क्या, तो फोटो कॉपी बना करके बेच रहे हैं, खैर कुछ भी हो। तो मैं कहने का मतलब, मेरा उद्देश्य यह है कि आज वैदिक मान्यता को, वैदिक मान्यता के मानने वाले या कहलाने वाले या कहने वाले ही गला घोट रहे हैं। इसलिए समय बहुत नाजुक है, बोलना बहुत कुछ है, समय कम है, इसलिए आप लोग कम समय में ज्यादा समझना। अभी एक कार्यक्रम हुआ मेरा गुजरात प्रांत के कच्छ में, जमाती संघ के अध्यक्ष इकबाल अहमद साहब से मेरा डिबेट था, लेकिन वो तो भाग गए बीच में ही, उसका वीडियो अभी आया नहीं, आ जाने पर लगा दूंगा आप लोगों के बीच में, आप लोगों को सुनवा दूंगा कि एक बार मिया, वहां पर विषय रखा गया था ईश्वर एक है या अनेक। मैंने अनेक प्रमाण दिया वेद से कि ईश्वर एक है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ, आत्मा का उदाहरण दिया, और इस्लाम में ईश्वर अल्लाह एक नहीं है इसका भी हवाला दिया, कुरान खुद कह रहा है, पर कलमा के साथ अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद साहब का नाम जुड़ा हुआ, लाई ला लला, उसने एक बार लाई ला लला का एक जुमला बोला, दूसरा जुमला बोला नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता, जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह ले। तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ, तो पहला कलमा, दूसरा कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, ये एक जुमला है, एक भाग है कि ये मैं गवाही देता हूं। मैं अब देखिए क्या तमाशा है, अरे दुनिया वालों, मानव वाल पजाया या ईश्वर वाल पजावाई, या मानव गवाही दे रहा है, ये कह रहा है कि गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई मबूस से वाला के, मानव को गवाही देने की आवश्यकता पड़ी अल्लाह ये कह करके। लेकिन अल्लाह ये कहां है, दूसरा जुमला फिर जोड़ा गया, वह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है, इस शब्द को कहे बिना कोई भी मुसलमान नहीं बन सकता, कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। केवल इतना ही नहीं, कुरान गवाह है, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इत्ता करो मेरी और मेरे रसूल की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह गफूर रहीम। अल्लाह को भी पाना चाहता है तो मोहम्मद की इताअत करनी होगी, मोहम्मद की पैरवी करनी होगी, मोहम्मद की पैरवी किए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत में वैदिक के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, परमात्मा को पाने के लिए जानने की आवश्यकता है, अगर जान जाओगे तो पा जाओगे, उसको पाने का तरीका जानना पड़ेगा। तो बड़ा रोचक कार्यक्रम रहा, और हजारों की तादाद में
हिंदू मुसलमान, 500 का मौलाना साहब बैठे थे साहब। असल में महेंद्रपाल के नाम को छुपाया गया था वहां, पहले बताया नहीं गया कि पंडित महेंद्रपाल को हमने बुलाया है, नहीं तो पहले ही भाग जाते, वहां आते नहीं। एक बार ने बाद में यही कहा कि पंडित महेंद्रपाल आई को बुलाते, जो विश्वविख्यात पंडित है, ऐसे पंडित को बुलाए हैं, हमें तो पता भी नहीं था। वो मंच पर आते ही उसको पता लगा, जब मैं मंच पे आया था। खैर कुछ भी हो, वो वीडियो जो बना है, पूरा वीडियो बना है, कितना क्या कार्यक्रम हुआ, कैसे कैसे हुआ, उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, फिर वो चले जाने के बाद वो भाग गए, मन छोड़ करके भाग गए, सारे मौलाना करके जाने लगे। फिर मैं उसके लिए क्या क्या बोला, और वो पूरा वीडियो आप लोगों के सामने आने वाला है, आने पर ही मैं लगा दूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं यही कड़ी विराम दे रहा हूँ। मैं केवल दो टुक में बोला कि गैर आर्य समझिए, आर्य समझिए, ऋषि दयानंद के भक्त और ऋषि दयानंद के शत्रु को ना इसको पहचान करके चलिए। ऋषि दयानंद के विचार के विरुद्ध का आचरण करने वाले कभी भी वैदिक सिद्धांत का मानने वाला नहीं हो सकता, चाहे वो ठाकुर विक्रम सिंह जी हो या कोई और सिंह जी हो। पैसे वाले हैं, पैसा उनके पास है, लेकिन महेंद्र पाल को पैसा से खरीदा जाना संभव नहीं है। ना मालूम कितना कितना मिलियन येन, कितना कितना मिलियन डॉलर मैं ठुकरा बैठा हूं। नहीं, पैसा से महेंद्र पाल आर्य को खरीदा नहीं जाएगा। आपने को सम्मानित किया उन विद्वानों के ऐसे ऐसे, हालांकि उस दिन मैं बोलने वाला था, लेकिन मैं जब अनिल को और आर्यवेश को वहां देखा तो मैं समझ गया कि ठाकुर विक्रम सिंह जी इनके समर्थक है। मैं पहले ही बोला, मैं द्रविड़ी को भी बोला था कि ठाकुर विक्रम सिंह जी उनके समर्थक, क्योंकि आनंद अग्निवेश ने वे सम्मेलन किया एक दिल्ली में, वो आनंद जी जो इनके पिए हैं ठाकुर विक्रम सिंह जी के, वो उस मंच को संचालन किया था, इसलिए मैं जानता था पहले से। ठाकुर विक्रम 1.5 लाख रुपया उनको दिया है उन्होंने हरिद्वार के कार्यक्रम में, तो ठाकुर विक्रम सिंह जी को भी मैं ऋषि दयानंद के अनुयायी नहीं मान पाया। पैसा वाला हो सकते हैं, पैसे से हमारा कोई मतलब नहीं है, पैसे से महेंद्र पाल को खरीदा जाना संभव नहीं है, और ना महेंद्र पाल बिकाऊ माल है। महेंद्र पाल बिकने वाला सामान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है तो खरीदोगे। इसीलिए वैदिक सिद्धांत अटल है, वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि है, वैदिक मान्यता सर्वोपरि है, जिसे ऋषि दयानंद ने विश्वीपी करके भी जनता जनार्दनों के बीच में प्रस्तुत किया है। इसीलिए दो टुक में मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि सत्य को जानिए, सत्य को समझिए। इस राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, इस राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए हमें राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा। इसीलिए तो ऋषि विदुर से किसी ने पूछा कि ऋषिवर आप हमें बताइए क्या काम करें हम। ऋषि विदुर ने कहा कि ईश्वर भक्त बनो। तो उन्होंने पूछा कि अगर ईश्वर भक्ति ना हो सके तो ऋषि विदुर ने कहा राष्ट्रभक्त बनो। तो फिर उन्होंने बोला कि राष्ट्रभक्ति ना हो पाए तो ऋषि विदुर कह रहे हैं कि चिल्लू भर पानी में डूब मरो। ये मान्यता है वैदिक, ये है वैदिक सिद्धांत, ये है वैदिक परंपरा। इसीलिए कोई हो बात नहीं है, चाहे पैसा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब वैदिक सिद्धांत से है। तो वैदिक सिद्धांत का जो गला घोटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को बुला करके अपने मंच पे वक्तव्य कराना, ये वेद विरुद्ध है, ऋषि दयानंद के खिलाफ है, ऋषि दयानंद की मान्यता के खिलाफ है, और ठाकुर अमर सिंह जी की मान्यता के भी खिलाफ है। भले ही ठाकुर विक्रम सिंह जी इस काम को कर रहे होंगे, वो ठाकुर अमर सिंह जी को भी डूबने के चक्कर में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी क्या लिख रहे हैं, आदरणीय पंडित जी सादर प्रणाम, ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ सुखी एवं सफलता दीर्घायु प्रदान करें। ईश्वर आपको आपके सत्य का प्रकाश विश्व में फैलाने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश बाबू आपको, राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने अच्छा बाबू हिमांशु जी भी जुड़े हैं अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आप लोगों को केवल केवल सत्य ही बताने का प्रयास किया। आज बंगला भाषा में एक फोन आया मेरे पास बंगाल से ही, और बंगला भाषी है वो, और उन्होंने बोला कि कैसे कैसे क्या किस तरीके से उन्होंने मेरा समर्थन किया, और कैसे कैसे मैं काम जो कर रहा हूँ उसका कितना समर्थन उन्होंने किया, क्या क्या बोला। बंगला भाषा में है, मौका मिला मैं रिकॉर्डिंग कर रखा हूँ, मौका मिला तो मैं उस रिकॉर्डिंग को भी लगा दूंगा ताकि बंगाली लोग भी सुने उसको बखूबी।
और फिर मैं बताऊं कि मेरा गुजरात में जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारी जो बनाई टीम है, यानी जितने सदस्यों को मैं छोड़ा है बंबई और गुजरात के अंदर में, उसमें सबसे अग्रणी नाम नाम जो है वो श्री मदनलाल जी दीवानी जी का है। जोड़ना मेरा काम है, लेकिन पकड़ कर रखना उन लोगों को, अपने साथ मिला करके चलना दे करके वैदिक सिद्धांत के बारे में जानकारी कराना, ये तो केवल कोई मगनलाल जी से सीखे। बंबई आर्य समाज यानी आर्य समाज काकड़बाड़ी का जन्म हुआ 1875 में, गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर माने आने वालों ने उसका आपको नहीं किया है जो आज मगनलाल जी के द्वारा किया जा रहा है। जबकि निजी कोई भवन नहीं है, वो बेचारा बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर है, वो जहां उनको समय मिलता है वहीं लेकर के बैठ जाते हैं, सबको बुला लेते हैं वहीं पर, वहीं पर काम शुरू हो जाता है उनका। और वो बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर होने के बावजूद जो उनका मालिक है ना, उनके जो बिल्डिंग का जो मालिक है, जो उन्हें काम दिए हुए हैं वो भी उनका समर्थन करते हैं। वो जैनी होने के बावजूद भी करते हैं कि आप जो ये ज्ञान बांट रहे हो इसको पैसा से खरीदा नहीं जा सकता, उन्होंने पूरा समर्थन किया। ये बॉम्बे के अंदर में कोई आर्य समाजी इस काम को कर नहीं सकता है। मैं तो डॉक्टर सोमदेव जी को भी बोला, जब थांदला में मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था हम थे, तो मैंने सोमदेव जी को बोला वहां मेरा काम जुड़ा हुआ है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं वहां जाकर के देखिए, लेकिन मौका नहीं मिला। ये आर्य समाजी कहलाने वाले ये हाथी के दांत हैं, ये दिखाने के लिए होते हैं खाने के लिए नहीं, ऐसे ही समझना। ये सारा सब जगह यही काम हो रहा है, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक। अरे भारत तो छोड़ो, तो मैं तो हॉलैंड में गया, विदेश में गया, वहां पर भी देखा आर्य समाज में यही झगड़ा, साउथ अफ्रीका में भी यही झगड़ा। खैर बहुत कुछ बोलने का है और समय बहुत कम है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को और लंबा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब तक तो आप लोग नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनते आए हैं, ये महेंद्र पाल की मन की बात है, जो वैदिक सिद्धांत को उजागर करने के लिए, वैदिक परंपरा को औरों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए औरों तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ सबका अभिवादन करते हुए, सबको नमस्ते करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका अभिवादन, सबको नमस्ते। पर वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।